मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। विपक्षी कांग्रेस ने एमपी चुनाव के लिए 230 में से 229 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में उस सीट से उम्मीदवार का नाम भी है जहां से 2018 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली थी। जवाब में सपा ने भी 22 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एमपी चुनाव के लिए सपा की ओर से उम्मीदवार घोषित किए जाने को लेकर कांग्रेस तल्ख हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि इतनी सीटों पर सपा के लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने तो यहां तक कह दिया कि मध्य प्रदेश का मतदाता हाथ का पंजा जानता है, साइकिल नहीं। बीजेपी को हराने के लिए सपा को कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर भी इनकी कुछ वहाँ स्थिति नहीं है, जबरदस्ती वहाँ पे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक भी विधायक इनका नहीं रह गया, एक विधायक था वो भी भारतीय जनता पार्टी में चला गया था, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अंदर से मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस को पूरे प्रदेश के अंदर ताकत के साथ इनको मध्य प्रदेश में और अन्य जगह पर समाजवादी पार्टी का, अगर ये इनकी सोच है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, हराना है, तो इनको पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी का सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमें पता होता कि विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं है तो हम ना तो मीटिंग में जाते और ना ही कांग्रेस नेताओं के फोन उठाते। अखिलेश ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष का नाम लिए बिना चिरकुट नेता बता डाला। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, तो और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ। वहीं एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने अखिलेश को लेकर सवाल पर कहा, अरे छोड़िए ना अखिलेश वकलेश। इसे लेकर सपा प्रमुख ने कहा कि उनके नाम में ही कमल है, अखिलेश तो है ना। कांग्रेस और सपा के बीच जुबानी जंग तल्ख से और तल्ख होती जा रही है। इसे लेकर अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश से बिखर सकता है। हाँ, ये बात तो ठीक कही उन्होंने कि वकलेश कौन है, अखिलेश तो है ना। तो अगर ये बातें अगर कहेंगे तो समाजवादी पार्टी भी इन बातों को कह सकती है, लेकिन उन उलझनों में हम नहीं फंसना चाहते। कमलनाथ जी से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और नाम देखो इनका कितना अच्छा है, जिनके नाम पे ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो, तो अखिलेश ही कहेंगे और क्या, अखिलेश तो नहीं कहेंगे ना। सवाल मध्य प्रदेश में केवल कांग्रेस सपा की तल्खी की वजह से नहीं, छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों में भी गठबंधन के एक अन्य घटक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उतारने की वजह से भी उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ मिजोरम चुनाव के लिए कुछ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। 37 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें कथित शराब घोटाले की वजह से जेल में बंद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के नाम भी शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में रैलियां कर बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पर हमले भी बोल रहे हैं। इन सब को देखते हुए चर्चा तो ये तक शुरू हो गई है कि सीट बंटवारे को लेकर खींचतान इन तीन दलों की आपसी लड़ाई कहीं चुनावी हवा भरने के पहले ही इंडिया गठबंधन का टायर पंचर न करते। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव की तल्खी की वजह केवल कांग्रेस का बिजावर सीट पर उम्मीदवार घोषित कर देना भरी ही है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने तल्ख प्रतिक्रिया देते हुए 1-1 बजे रात तक सीटों को लेकर हुई बातचीत का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कांग्रेस को साफ साफ बता दिया था कि एमपी में हमारे उम्मीदवार कब कब और कहां कहां जीते थे और यहां हम नंबर 2 पर थे। जब लिस्ट आई तो देखा कि कांग्रेस ने हर सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। अखिलेश के बयान से साफ है कि बात बिजावर सीट की नहीं, गठबंधन का गणित गिव एंड टेक के फॉर्मूले पर चलता है। कहा जाता है कि सपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने का सीधा मतलब था कि उसे यूपी में कमजोर कांग्रेस के लिए उसे अपनी सियासी जमीन का छोटा ही सही एक हिस्सा देना पड़ा। ये जानते हुए भी सपा अगर गठबंधन में शामिल हुई तो उसके पीछे लालू यादव के परिवार की भूमिका और नीतीश कुमार की समाजवादी पृष्ठभूमि के साथ कहीं न कहीं मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अपनी जमीन मजबूत करने की रणनीति का कॉकटेल भी था।
बता दें कि ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए पहल शुरू कर दी थी, तभी जो जहां मजबूत वो वहां लड़े का फॉर्मूला दे दिया था। इस फॉर्मूले का सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस को ही होता। अब मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस भी इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ चली है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।